गाइस व्हाट्स अप, इट्स मी सैमुअल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी जो आज की वीडियो है वो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटिंग है, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ, बट आज की वीडियो लिटरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बिकॉज आज मैं फाइनली अपना जर्नलिंग किट ओपन करने जा रही हूँ, मतलब कि स्टिकर बॉक्स ओपन करने जा रही हूँ। As you know कि ये मुझे मेरे बर्थडे में मिला था, एंड मेरे बर्थडे को लिटरली 1 month हो गया है, बट मैंने इसे ओपन नहीं किया क्योंकि मम्मा बोल रही थी बेटा इसे वीडियो में अनबॉक्स करके दिखाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो बहुत देरी हो गई, आज मैंने मम्मा को बोल दिया कि मम्मा आज मैं इसे खोल के रहूँगी, और अभी लिटरली रात के 9 बज रहे हैं एंड यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सो उस बात के लिए एक लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सो लेट्स जस्ट गेट ऑन टू द अनबॉक्सिंग। सो ये है इस प्रोडक्ट का कुछ क्लोजअप व्यू। इसको मम्मा ने मेरे लिए अमेजोन से परचेज किया था एंड इसकी MRP थी 500 रुपीज़। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी MRP लिखी हुई है। सो इसकी MRP थी 499, जिसका मतलब 500 रुपीज़ ही होता है। सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसमें 10 स्टिकर शीट्स हैं एंड 10 वॉशी टेप्स हैं, जिनकी डिज़ाइन बैक पे दिखाई गई है। सो चलो मैं ज़्यादा बकबक ना करते हुए, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा कर चुकी हूँ, तो जल्दी से इसे खोलते हैं। सो लेट्स ओपन इट। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ASMR करूँगी। सो मैंने इसे ओपन कर लिया है ना, मैं और ASMR नहीं करने वाली क्योंकि मुझसे बिना बोले रहा नहीं जाता, क्योंकि मैं हूँ बोल बच्चन। सो चलो अब जल्दी से इस बॉक्स को भी ओपन करते हैं। इसकी पैकेजिंग कितनी ज़्यादा कवाई एंड क्यूट है। सो लेट्स अप्रिशिएट द पैकेजिंग फर्स्ट, इट्स सो प्रिटी, ओ माय गॉड। एंड ये लाइक येलो थीम की पैकेजिंग है एंड इसमें काफ़ी डिफरेंट कलर्स के वॉशी टेप्स एंड स्टिकर शीट्स हैं। सो चलो इसे ओपन करते हैं। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। सो एक्चुअली ये स्टिकर्स नॉर्मल नहीं है, ये है क्लियर स्टिकर्स, मतलब ये टोटली क्लियर नहीं, बट ये ट्रांसलूसेंट स्टिकर्स जो होते हैं, जिससे हम अपने डॉटेड डायरी पे जब जर्नलिंग करेंगे तो हम उसके डॉट्स देख सकेंगे। सो दैट्स रियली गुड, क्योंकि मुझे क्लियर स्टिकर्स ही चाहिए थे। सो सबसे पहले हम वॉशी टेप से स्टार्ट करते हैं। सो इसमें मुझे इतने सारे रोल्स ऑफ वॉशी टेप्स मिले हैं, एक साइड 5 है एंड दूसरी साइड भी 5 है, एंड ये डिफरेंट साइजेस के हैं, लाइक ये 2 बड़े वाले हैं, ये मीडियम वाला है, ये भी मीडियम वाला है, एंड ये थिन वाला है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। सो गाइज ये है माई फर्स्ट वॉशी टेप की डिज़ाइन, एंड ये पूरे में ये सेम डिज़ाइन नहीं है, ये पूरे रोल में अलग अलग डिज़ाइन है। एंड लाइक ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम वॉशी टेप को छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे आज स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे स्टिकर्स ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट ये वाली डिज़ाइन है, बहुत ही क्यूट सी। उसके बाद ये वाली, नेक्स्ट ये बड़ी वाली, एंड ये वाली बहुत ही ज़्यादा क्यूट, एकदम थिन वाला है, एंड ये वाला आई गेस मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ। सो चलिए अब नेक्स्ट साइड के रोल्स की तरफ चलते हैं। इस वाले साइड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज इसमें जो थिन वाला वॉशी टेप है वो चेरी थीम का, एंड यू गाइस नो चेरी सो एस्थेटिक एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये है फर्स्ट डिज़ाइन। नेक्स्ट है ये सेकेंड डिज़ाइन, जो कि मीडियम वाला है, एंड ये एक्चुअली मोस्टली स्ट्रॉबेरी थीम पे है। ये है नेक्स्ट मीडियम वाली डिज़ाइन, एंड ये है हमारी ब्रॉड वाला टेप, एंड ये हमारा दूसरा ब्रॉड वाला टेप। एंड इसकी ये बात भी बहुत अच्छी है कि इसमें टेक्स्ट वाले भी वॉशी टेप्स हैं, क्योंकि लाइक वो जर्नलिंग में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं, बिकॉज जैसा कि मेरी कैलीग्राफी इतनी अच्छी नहीं है सो मैं ये यूज़ करूँगी। सो ये वॉशी टेप्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, एंड अब मेरे पास हैं 10 वॉशी टेप्स। सो अब हम देखते हैं क्लियर स्टिकर्स को। सो ओ माय गॉड, इसमें कितने सारे लग रहे हैं, स्कैम गाइस लुक। इसमें तो ये था,
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वैसे मुझे पता था कि इतने सारे तो नहीं होंगे, बट हमें फिर भी 10 शीट्स मिली है जैसा कि पीछे मेंशन था। सो ये हमारी फर्स्ट शीट विच इज़ सो प्रिटी, एंड मैं इन्हें आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, एक जर्नल का पूरा फुल पेज भी करके दिखाऊंगी। ये है सेकेंड शीट, सो कवाई एंड एस्थेटिक, ओ माय गॉड आई विल डाई, इतने क्यूट है ये। ये है थर्ड शीट, ये है फोर्थ शीट, फिफ्थ वन, ओ माय गॉड दिस इज सो प्रिटी, इसमें छोटे से डेजीज भी हैं, द सिक्स्थ वन, सेवेंथ वन, एट्थ वन, इसमें एक्चुअली जापानीज में भी कुछ लिखा है बट मुझे पता नहीं क्या लिखा है, नाइन्थ वन, Oh my god, this sticker is so freaking adorable. And the 10th one. So, ये stickers तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड हमें टोटल 10 शीट्स मिली हैं, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। जैसा कि ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 500 रुपीज़ में एक स्टिकर बॉक्स, आई गेस इट्स अ रियली गुड डील। सो चलिए अब हमने इसे अनबॉक्स तो कर लिया, मैंने आपको सारे इसके दिखा भी दिए, सो अब मैं इससे एक बुलेट जर्नल का पेज करके दिखाती हूँ, सो लेट्स सी। सो जर्नलिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जर्नलिंग डायरी ऑफ कोर्स। सो यू मस्ट रिमेंबर कि मुझे ये जर्नलिंग डायरी मेरे बर्थडे पे मिली थी। वैसे ये डायरी फैक्टर नोट्स की है, एंड मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एंड मैंने इसका फर्स्ट पेज एक्चुअली कर चुका है क्योंकि ये मेरी सेकंड जर्नल है, तो मेरा फर्स्ट पेज था वेलकम टू माय सेकंड जर्नल। सो एक्चुअली मैंने उसमें ब्रश पेन का यूज़ किया था, एंड आप तो जानते हैं कि ब्रश पेन की जो इंक होती है वो बैक वाले पेज पे लग जाती है, एंड वैसे ये मेरी सुपर सॉफ्ट टिप वाली ब्रश पेन थी, तो उसमें थोड़ा सा और बैक पे इंक लग गई थी। सो मुझे वाला पेज छोड़ के जर्नलिंग करना पड़ेगा, सो मैं अपनी ब्रश पेन एंड अपनी कलर्ड पेन्स ले आई हूँ। सो गाइज मैं ना कैमरा आपको दिखाना भूल गई थी, बट मैंने यहाँ पे ये बहुत ही क्यूट गर्ल वाला स्टिकर लगाया, एंड मैं अब इसकी बॉर्डरिंग इस हार्ट वाले वॉशी टेप से करूँगी, ये जो एकदम स्ट्रीमलाइन वॉशी टेप है उस वाले से। सो मैं इसे साइड में एंड इसके एंड में लगाऊंगी, जिससे लाइक हमारे एक रेक्टेंगुलर शेप टाइप का रेडी हो जाए, एंड उसके अंदर मैं कोई अच्छे से कोट्स या फिर कोई भी नोट्स लिख सकती हूँ। एंड गाइस आप भी इससे इंस्पायर होकर अपने एक जर्नल बना सकते हो। वैसे तो मैं जर्नलिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, बट आई बेट आप लोग मुझसे तो अच्छा कर ही सकते हो। सो गाइस यहाँ पे ना मैंने एक ब्रॉड वाला वॉशी टेप लगाया था, मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये डिज़ाइनर वाला था, बट ये ना बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था कि ये बीच में क्या लगा दिया है। सो मैंने अभी उसे निकाल दिया है, वैसे मैंने एक गर्ल वाला स्टिकर और नीचे लगा दिया है। सो जो ये मैंने वॉशी टेप निकाल दिया है, इसकी जगह मैं लगाने वाली हूँ एक बहुत ही क्यूट सा स्टिकर। सो इस स्टिकर शीट में ये टेक्स्ट वाला स्टिकर था जिस पर लिखा था स्वीट, तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा तो मैंने इसको लगा दिया। जैसे मैंने ऊपर हार्ट वाला वॉशी टेप लगाया था ना, अब मैंने नीचे चेरी वाला वॉशी टेप लगा दिया है। अब हमें चाहिए होगी ब्रश पेंस, बट उसके पहले क्लीन अप कर लेते हैं। बूम, सब कुछ क्लीन हो गया, एंड आप ब्रश पेंस की जगह कोई भी मार्कर या फिर हाइलाइटर्स या फिर स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ये एकदम लाइट सा पिंक यूज़ कर रही हूँ, एंड लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं बनाऊँगी बिकॉज वरना बैक पेज ना उस पर पूरी इंक लीक होने लगती है। सो मैंने ये फ्री हैंड बनाया क्योंकि मैं स्केल से करती ना, तो फिर पूरे पेज पे जो ब्रश पेन की इंक है वो फैल जाती, तो लाइंस थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी है। सो यही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई, तो मैंने नीचे येलो से एंड ऊपर पिंक से बना दिया, एंड उसको ब्लैक कलर की पेन से आउटलाइन कर लिया जस्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड विजिबल। सो मैं एकदम थिन ब्लैक पेन की हेल्प से एक कोट भी लिखूंगी। बूम, हमारा कोट लिख दिया। सो मैंने यहाँ पे डेली रिमाइंडर लिखा है, एंड एक बहुत ही छोटा सा क्यूट सा कोट लिखा है। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ माई बुलेट जर्नल। एक्चुअली ये इतना भी अच्छा नहीं बना, मैं इससे बेटर कर सकती थी, बट मैं और प्रैक्टिस करूँगी एंड अच्छा करके दिखाऊँगी।
सो गाइस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो. सो ये था मेरा फाइनल जर्नल एंड आई थिंक आई डिड प्रीटी गुड. बट आई डू थिंक कि मैं इससे बेटर कर सकती हूँ. बट लाइक ये मेरा फर्स्ट टाइम था वॉशी टेप्स एंड स्टिकर्स के साथ जर्नलिंग करना. एंड लाइक ये जो मैंने ब्रश पेंस यूज़ किया है वो भी थोड़ा सा और नीट हो सकता था. सो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू द नेक्स्ट टाइम. एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ऐसी और जर्नल वीडियोज चाहिए. एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टूडल्स.